सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर एवर। सब ठीक था? सब बढ़िया? ओके। सो गाइस, अभी हम लोग हैं उलसान में, जो कि है कोरिया में, साउथ कोरिया में। सो अभी हम लोग आए हैं लेबर्स पे। लेबर मतलब यहाँ पे है ना, जो सागर का शिप है वो जब डर्बन में था तब दूसरी शिप ने उसे ठोक दिया था। मतलब एंकर पे ना दूसरी शिप ने ठोक दिया था, मतलब खड़े खड़े ही ठोक दिया था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो डैमेज हुआ है ना वो रिपेयर करने के लिए वो यहाँ पे है। सो अभी बोल रहे हैं कि एक हफ्ता तक रहने वाला है। सो आई डोंट नो कितने टाइम तक रहेगा। सो मैं तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ काम कर रही हूँ, बस नेट मिला है मुझे, तो फटाफट वीडियो सब चढ़ा रही हूँ मैं। सो आपको दिखाती हूँ, हमारे रूम के विंडो से दिख रहा है क्या क्या काम चल रहा है। सबको मैं थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिखाऊंगी कि क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये एक ब्रिज है जो रूम से दिख रहा है, एंड दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स। देखिए सब जो ऑफिसर्स है, और ये आप देख सकते हो जहाँ पे शिप का नाम भी लिखा है, ये होता है रेस्क्यू बोट। सो ये थोड़ा डैमेज हो चुका था इसीलिए ये अभी निकाल रहे हैं, और इसके जगह पे आने वाला है ये वाला, ये नया नवेला, ये नई नवेली दुल्हन, ये वाली आने वाली है अभी। सो जिसे कवर किया है अभी ये लोग निकाल रहे हैं। तो सागर सब लोग नीचे खड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे सागर का तो वाइट कलर का ये है बॉयलर सूट। देखिए ये देखिए सागर, दिखा आप लोग को? सो ये सब अभी काम चल रहा है यहाँ पे, और कुछ कुछ और भी चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, कुछ वेल्डिंग का काम भी चल रहा है यहाँ पे साइड में ना। सो यही मैंने बोला कि चलो दिखाती हूँ आप लोग को भी। सो अगर शिप पे कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कुछ फायर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना, देन दे हैव दिस रेस्क्यू बोट। इसमें आप देख सकते हो, उसमें लिखा भी है कि कैपेसिटी उसकी है 26 persons। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड ये अभी नीचे रख दिया, इसे कहते हैं बाय बाय। और अभी आएगी हमारे पास न्यू ब्रांड न्यू रेस्क्यू बोट। सो गाइस, मैं आ गई ऊपर। उसके पहले मैं गई थी मेस रूम में, मतलब गैली में गई थी मैं एक्चुअली। वहाँ पे मैं मसाले लगा रही थी एक ब्लैक पॉम्फ्रेट को, बिकॉज जो चीफ कुक है उन्होंने कहा कि कैप्टन के लिए बना रहे हैं, आपके लिए भी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मुझे मेरे लिए एक फ्राई कर देना। लेकिन वो जो कैप्टन के लिए बना रहे हैं वो सिर्फ जैसे ओरिगैनो एंड सम लिटिल बिट ऑफ चिली फ्लेक्स एंड ऑल, वो सब डालेंगे। मैंने बोला नहीं, मेरे को तो प्रॉपर चाहिए, तो मैं खुद आके मसाले बना दूंगी। तो मैंने उसमें ना जो भी मसाले थे, चिल्ली पाउडर, टर्मरिक, गर्म मसाला, मीट मसाला, सॉल्ट, वो सब डाल के मैंने बना दिए। अभी लिंबू सब खत्म हो चुका है, बिकॉज अभी तक जो प्रोविजन स्टोर है वो अभी तक आया नहीं है, तो है नहीं। उन्होंने कहा विनेगर चाहिए, तो मैंने बोला नहीं नहीं चाहिए विनेगर। तो मैंने उसको अच्छे से मसाला लगाया, एंड अभी उससे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है। एंड मैं आते टाइम अभी मैं लेकर आई हूँ अपने साथ ये बोल लेके आई। इसमें मैं प्रिपेयर करूँगी मेहंदी जो मुझे डालना है। लास्ट टाइम मैंने प्रिपेयर किया था लेकिन डालने मुझे नहीं हुआ, क्योंकि शिप तो मैं रोल कर रहा था, तो वो सिचुएशन में मैं तो बेड से उठ नहीं सकती। तो मैं सोच रही हूँ अभी यहाँ पे मस्त है थोड़े दिन तक, तो मैं थोड़ा सा मेहंदी लगाऊंगी जस्ट ऊपर ऊपर साइड साइड में, बिकॉज यहाँ पे ना थोड़े से ग्रे हेयर है, उसको कवर करना कंपल्सरी है। तो उसके लिए मैं करूँगी, थोड़ा सा बनाऊँगी। चलिए बनाते भी। सो मैं मुंबई से लेके आई थी आते टाइम ये पतंजलि मेहंदी, और थोड़ा सा यूज़ किया था लास्ट टाइम, अभी थोड़ा मैं और यूज़ करूँगी इसे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लूँगी। सो रेडी हो चुका है मेहंदी, अभी मैं इसे रखूँगी ओवर नाइट एंड देन कल इसे लगाऊंगी। थोड़ा
हे गाइस, सो बीच में मैं गायब हो गई थी, मैं आपको मिली नहीं क्योंकि उसके बाद हम लोग गए थे डिनर करने। डिनर में जो दिखाया था ना, ब्लैक पॉम्फ्रेट फ्राई था, इज नॉट टेस्टी लगा ना गाइस। पहली बार मैंने आज खुद से मसाला लगा के जब फ्राई किया, बहुत टेस्टी लगा था। बिकॉज शिप पे लोग यूजुअली क्या करते हैं, रवा सब नहीं लगाते, नॉर्मल मसाला लगाते हैं, उसको फ्राई करते हैं या फिर कभी कभी ओवन में भी रखते हैं, तो थोड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैंने कोकोनट ऑयल में फ्राई किया था, एक नंबर बना था यार। तो अभी टाइम हुआ है 11 बजे करीब, 11 नहीं कितना हुआ देखो, मतलब 10:45 के करीब हुआ है। सो सागर सो गए, मेरे को उसको सुबह उठना है, मुझे नींद नहीं आ रही गाइस, क्योंकि मुझे, मैं सुबह लेट उठती हूँ ना, तो मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वीडियोस एडिटिंग कर लूँ, बिकॉज अभी ना हम लोग को सिम कार्ड मिला है, $30 का सिम कार्ड, अनलिमिटेड यूसेज फॉर 8 डेज समथिंग। सो ये है सिम कार्ड, ऑलरेडी मेरे फ़ोन में है अभी, ये है ईजी मोबाइल का और ये $30 का है। सो इसी से मैं अभी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जो भी मेरे पास मैंने एडिट करके रखे है, और भी मैं वीडियोस एडिटिंग कर रही हूँ ताकि मैं स्टॉक बना रहे एंड आपको कोई वीडियो की कमी ना हो। यस, सो ऐसा ना हो कि बीच में मतलब कि आप ज़्यादा दिन कर रहे और वीडियो अपलोड ना हो पाए, इसके लिए, क्योंकि अभी अभी हम लोग कोरिया से भी निकलेंगे तो कहा जाएगा नेक्स्ट, आई डोंट नो। और अगर लंबी सेलिंग मिलेंगी तो शिप के वाईफाई से तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी गाइस, इसीलिए अभी मैं कर रही हूँ। तो अभी मैंने फ़िलहाल 1 महीने का वीडियो अपलोड कर दिया है, नेक्स्ट 1 महीने का वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी मैं और भी करूँगी ताकि थोड़ा जितना हो सके उतना स्टॉक रहे। सो अभी मैं करती हूँ बड़ा एडिटिंग, फिर मैं चाहूँगी सोने से पहले आपको मिलती हूँ अगर हो सके तो। सो गाइस, अभी मैं सोने जा रही हूँ, आप टाइम देख सकते हो, 1 बजने आ रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ। 2 वीडियो एडिट कर दिया है मैंने, अपलोड अभी करने डाल दूँगी मैं, तो रात भर अपलोड होते रहेगा, तो मैं आपको मिलती हूँ सुबह। सागर तो एकदम गहरी नींद में, ये देखिए गाइस 1 बज रहा है, फ्रंट कैमरा से ऐसा लग रहा था मुझे कि 11 आप क्यों दिख रहे हैं, तो इसीलिए दिखा रही हूँ 1 बज रहा है। चलिए बाय, गुड नाइट। The next day. Hello guys, good morning. कैसे आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, मतलब सॉरी गुड आफ्टरनून है वैसे तो, टाइम आपको दिखा दूँ मैं, 1 बज के अभी। सो अभी खाना बस सब खा के आ चुके हैं, मैं अभी लगाने जा रही हूँ मेहंदी। यस, तो सागर तो चला गया अभी काम के लिए और मैं अभी फ्री हूँ, तो मैंने बोला कि चलो फटाफट मेहंदी लगा लेते। सो ये देखिए गाइस, मेहंदी कितनी मस्त एकदम कलर आ गया ना इसमें, तो चलिए लगाते हैं अभी इसको। अभी मेरे पास ये ब्रश है, क्योंकि मेहंदी का ब्रश मैं लेके नहीं आई, तो ये एक ओल्ड टूथब्रश है सागर का, तो सागर ने बोला कि इसको यूज़ कर लेना, इसके पहले सागर ने भी यूज़ किया था, तो मैं इसी से अभी अप्लाई करूँगी। सो गाइस, लगा दिया मैंने मेहंदी, सिर्फ ऊपर ही लगाया, अभी आधा थोड़ा बचा है, तो मैं सोच रही हूँ सागर को दे दूँ, बिकॉज मुझे नीचे बीचे सब नहीं लगाना है, वो बहुत मैसी हो जाएगा, सिर्फ इधर ही ये पार्ट पे लगाना, बस इधर थोड़े थोड़े ना वाइट हेयर है इसीलिए। सो उसे वो भी मेहंदी लगेगी तो ब्राउन हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सो चलिए करते हैं एडिटिंग, हमें सूखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सूखने के लिए नहीं, मैं अभी तो 120 हुआ है, तो कम से कम 330 तक तो रखूँगी, उसके बाद मैं ना लूँगी। मिलती हूँ आपको। सो गाइस, अभी यहाँ पे लगाया जा रहा है नया लाइफ बोट, नया रेस्क्यू बोट, ये देखिए, वो भी 4-5 दिन के बाद लगाया जा रहा है, बिकॉज अभी हम लोग 2-3 दिन में हम लोग निकलने वाले हैं, इसीलिए ये देखिए, आप देख सकते हो कि बाहर कितनी ज़्यादा हवा है, देखिए विंड, देखिए ठंड भी बहुत है बाहर यार, मतलब हमारे लिए तो ज़्यादा ही है, आप देखो कि वो लोग सब जैकेट वैकेट भी पहना है उन्होंने। ये रास्ता, अगर यहाँ पे